हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हॉर्नबिल चैप्टर की एक नई पोयम द वॉइस ऑफ द रेन करने जा रहे हैं, जो कि लिखी गई है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पोइट अपनी पोइट्री में लिखते हैं कि वो एक सॉफ्ट एक मुलायम गिरते हुए पानी से यानी बारिश से पूछते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू। तो जो रेन है वो थोड़ा अजीब है कहने में, मगर रिप्लाई दे, तो यहाँ पर रेन रिप्लाई दे रहे। तो यहाँ पर पोइट ने अपनी पोइट्री में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। देखिए क्या रिप्लाई देती है। जो रेन है वो बोलती है कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं इस पृथ्वी की पोयम हूँ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। जो इस जमीन से वेपर बनके मतलब भाप बनके उड़ जाती है जमीन से, कुछ पानी जमीन से उड़ता है तो कुछ बहुत गहरे बॉटमलेस सीज मतलब जिसके बॉटम ही नहीं है, मतलब इतने गहरे समुद्र से वहाँ से भाप बन के उड़ते हैं और ऊपर जाके हेवन पे जाके स्वर्ग पे जाके हम रुकते हैं, जहाँ पर मेरी साइज मेरा फॉर्म बदल जाता है, मतलब वो पानी से बादल बन जाते हैं, मगर तब भी मैं सेम ही होता हूँ क्योंकि वो पानी जो भाप था वो भाप जाके बादल बन जाता है, लेकिन है तो वो पानी ही पानी, बेशक ठंडा हो गर्म हो जमा हुआ हो हमेशा वो पानी ही रहता है। तो इसमें ये बताया। उसमें आगे जो रेन है वो ये बोलती है राइटर से, मैं फिर वापस आती हूँ, मतलब जब बारिश बरसती है, जब मैं वापस आती हूँ मतलब बारिश बरसते हुए आती हूँ, तब मैं जो सूखापन है उसको मिटा देती हूँ। कई सारी जो डस्ट की लेयर है, धूल की चादर है जो हर जगह बिखरी पड़ी है, उनको साफ करती हूँ, और जो सीड्स हैं मतलब जो बीज हैं जो बोए हुए हैं उनको उनके ऊपर पड़ती हूँ और उनको नई जान देती हूँ, उनको बढ़ने में मदद करती हूँ। और ऐसा रोज ही मैं दिन और रात अपने आप को ही जन्म देती हूँ। इसमें अपने आप को ही जन्म देते हुए इसलिए कहा है कि बारिश है वो पानी वो जमीन पे गिरती है और फिर दोबारा से भाप बन के ऊपर जाती है और वो दोबारा बारिश बन जाती है। तो इस तरीके से जो रेन है वो अपने आप को ही जन्म देती है। और इसमें आगे रेन कहती है रैक्ट और अनरैक्ट, मतलब मुझे कोई सुने या ना सुने, बट मैं वापस आ जाती है मतलब अपने आप को दोबारा बारिश बन के, तो हमेशा लव रिटर्न्स के साथ आती हूँ, मतलब प्यार के साथ आती हूँ वापस। तो इसमें एक्चुअली जो वॉइस ऑफ द रेन जो पोयम है उसमें अपने पोइट ने अपनी पोयम्स के बारे में बताया है, रेन का सहारा लेते हुए इसमें इन्होंने बताया कि कैसे वो अपनी पोयम पे पूरे दिलो जहान से लिखते हैं। वो बताते हैं कि एक पोइट अपनी दिल से जो पोयम लिखता है वो कैसे दूसरे लोगों की मदद करती है, किसी के सूखे में मदद करती है, मतलब कोई दुख है तो उनको अच्छा फील कराती है और ऐसे हर जगह मदद करती है। और अगर कोई उस पोयम को पढ़े या ना पढ़े, पर जो पढ़ते हैं वो पक्का उनको प्यार भरे मैसेज करते हैं, जो उनकी पोयम को पढ़ने वाले उनसे अच्छे रिप्लाईज मिलते हैं, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पोयम बस इतनी थी, बड़ी अच्छी पोयम है वॉल्ट विटमैन के द्वारा जो लिखी गई है। अब अगर आप इस पोयम को खुद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें काफी हार्ड वर्ड्स हैं जो शायद आपको दिक्कत दें इसको पढ़ने में, इसलिए मैं उसकी वर्ड मीनिंग्स लिख के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ना ना भूलें। और हॉर्नबिल बुक के सारे चैप्टर्स और पोएम्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।